बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल फोटोज़ के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ पांच अल्टरनेटिव गूगल फोटोज़ के। अब हम सब जानते हैं कि गूगल फोटोज़ जो है एक बेस्ट स्मार्टफोन ऐप आप कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाती है फोटो सेव करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको फोटो एडिटर मिल जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो काइंड ऑफ विनर है, लेकिन विनर जरूरी नहीं है कि परफेक्ट भी हो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेस्कटॉप की, तो यहाँ पे आपको कोई भी गूगल फोटोज़ की ऐप ऐसी नहीं मिलती जो कि डेस्कटॉप पे वर्क करे, ठीक है। अगर आप फोटो सेव करना चाहते हैं ऑफलाइन देखने के लिए, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसके अलावा गूगल की काफ़ी सारी प्राइवेसी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम अपना प्राइवेट डेटा गूगल को देना चाहेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पांच अल्टरनेटिव्स की जो कि गूगल फोटोज़ की जगह यूज़ हो सकते हैं और आपको वो सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देंगे जो कि शायद आपको गूगल फोटोज़ में भी नहीं मिल रहे होंगे। हमारे पास यहाँ पे जो पहले दो ऐप्स हैं वो है एवर एंड शो बॉक्स। ये दोनों ऐप्स अवेलेबल हैं उनके विंडोज़, मैक, iOS, एंड्रॉइड हर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। दोस्तों बहुत सारे लोग गूगल फोटोज को यूज़ करते हैं क्योंकि ये अनलिमिटेड वीडियो स्टोरेज और फोटो स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अगर आप इसी रीज़न के लिए गूगल फोटोज यूज़ करते हैं तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब इसके गूगल फोटोज पर इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये यहाँ पे आपको गूगल फोटोज में कोई डेस्कटॉप ऐप नहीं मिलती, लेकिन इस ऐप के इन दोनों ऐप्स की जो है आपको डेस्कटॉप ऐप्स भी मिल सकती हैं जो कि आप सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने जो है फोटोज को मैनेज कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से ही। और फ्रेंड्स इन दोनों ऐप्स का जो है एक बुरा एस्पेक्ट ये है कि ये वीडियो बैकअप के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हम शोबॉक्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप फुल HD रेजोल्यूशन की जैसे 15 मिनट तक की फुटेज स्टोर कर सकते हैं। हर वीडियो जो है यहाँ पे वो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऐप है वाइट क्लस्टर, जो कि iOS एंड एंड्रॉइड के लिए आपको आप कह सकते हो कि एक ऐप की सूरत में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप PC यूजर्स हैं, आप डेस्कटॉप यूज करते हैं, तब आपको एक वेब की फॉर्म में भी मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बात की कि गूगल की काफ़ी सारी प्राइवेसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्राइवेट डेटा आप शेयर नहीं कर सकते, लोग करते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी आप श्योर नहीं होंगे कि आप मुकम्मल सेव है। तो अगर हम नसीब की बात करें तो एक प्राइवेट फोटो शेयरिंग ऐप है, ठीक है, जहाँ पे जो है आपको सारे वो फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपको गूगल फोटोज में मिल रहे होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जिसका इंटरफेस है, जहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो इंस्टाग्राम की तरह है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप मैनेज कर सकते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि आपको फोटोज वगैरह देख सकते हैं, कौन है जो नहीं देख सकते, कौन लोग ऐसे हैं जो कि आपको इन्विटेशन सेंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऐप है वो है जो कि अवेलेबल होगी एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक गैदरी ऐप है जो कि अगर आप गूगल फोटोज यूज करते हैं तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकती है। इस ऐप में दोस्तों कुछ फीचर्स आपको वैसे ही मिलने वाले हैं जैसा कि गूगल फोटोज में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके एल्बम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए जाते हैं बेस्ड ऑन मेटा डेटा एंड इमेज फाइल्स, ठीक है। उसके अलावा ये ट्रैक करती है डुप्लीकेट फाइल्स को ताकि फ्री स्टोरेज की जा सके जितनी हो सके, ठीक है। यहाँ पे अगर बहुत सारी इमेजेस डुप्लीकेट होंगी ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्टोरेज दे रही होंगी जो कि कोई मैंने नहीं रखी, ठीक है। और दोस्तों इस ऐप का जो बेस्ट पार्ट है वो है प्राइवेसी। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं अपने फोन और कंप्यूटर से, ठीक है, लेकिन ये कुछ भी सेव नहीं करती अपने सर्वर्स पे, ठीक है। और हम कभी भी नहीं कर सकते कि गूगल इस बात को एग्री करेगा कि वो कुछ भी हमारा डेटा ना ले, कुछ भी हम सब कुछ करने दें और हमारा डेटा ना ले अपने सर्वर में कुछ भी सेव ना, ठीक है। तो इसमें हम दोस्तों कह सकते हैं कि गूगल फोटोज की नस्बत बहुत ही ज्यादा अच्छी है ये ऐप। नेक्स्ट ऐप है वो है स्लाइड बॉक्स जो कि अवेलेबल होगी एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए। अगर हम दोस्तों मैनेजमेंट की बात करें तो गूगल फोटोज में हमें इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं मिल रही होती। अगर आप ये ऐप यूज कर लेते हैं तो आपको बेस्ट लेवल के यहाँ पे मैनेजमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आप एल्बम क्रिएट कर सकते हैं, देन यू कैन ओपन अप गैलरी और यहाँ पे आप पिक्चर्स को जो है स्वाइप कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ स्वाइप करना होता है। अगर आप किसी फोल्डर में कोई इमेज रखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर उस पर टैप करना होगा और उसके बाद आप वहाँ पे कोई भी इमेज रख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप इमेजेस को कंपेयर कर सकते हैं टू फाइंड आउट कौन सी इमेजेस आपको रखनी है, कौन सी आपको डिलीट करनी है। तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट के हवाले से ये ऐप आपके लिए बेस्ट होने वाली है। लास्ट ऐप है वो है अडॉप्ट ग्रेट। नॉर्मली क्या होता है अडॉप्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर आपको पे करना होता है, ठीक है, वो पेड होते हैं लेकिन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेस्ट लेवल की आप कह सकते हो फोटो मैनेजमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि किसी भी फोटो मैनेजमेंट ऐप से बेटर हो सकते हैं। अगर आप दोस्तों डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं अपने फोटोज लेने के लिए तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट हो सकती है डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर में डायरेक्टली फोटोज भेजने के लिए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ लोगों को भी देख करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।